थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वंस अगेन फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एपिकल्चर एंड सेरिकल्चर. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी कॉलोनी ऑफ हनी बी हैज अ स्पेसिफिक ओडर व्हिच इज ड्यू टू द ग्लैंड. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक हनी बी के कॉलोनी में एक स्पेशल स्मेल या ओडर होता है और ये जो ओडर या स्मेल है वो हनी बीज में पाए जाने वाले किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है. पहला ऑप्शन इज ड्यूफर्स ग्लैंड, दूसरा है वासा नोवा ग्लैंड, तीसरा है स्टिंक ग्लैंड एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव. तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक हनी बी की कॉलोनी का जो स्पेसिफिक स्मेल होता है वो रिलीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल ग्लैंड जिसका नाम है वासा नोवा ग्लैंड. अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और चीजों को भी नोट्स में बना सकते हो, लिख सकते हो, वो ये कि आप पता करके ये बताएं कि ये जो वासा नोवा ग्लैंड है ये एक्चुअली किस मेंबर में पाया जाता है हनीबी के कॉलोनी में और साथ ही साथ किस बॉडी पार्ट में ये पर्टिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उस बॉडी पार्ट के किस सेगमेंट में पाया जाता है. तो फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे. ये तो आपने सीख ही लिया कि वासा नोवा ग्लैंड जो है इसी पर्टिकुलर ग्लैंड के प्रेजेंस के कारण ही हर हनीबी के कॉलोनी का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है. ये कौन प्रोड्यूस करता है, बॉडी के किस सेगमेंट में ये पर्टिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो इससे बेस्ड सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के कवर हो जाते हैं. तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, एक बार ढूंढें और उसके बाद अपने नोट्स में भी इसे ऐड कर लें. आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर. और क्वेश्चन नंबर टू में है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बी स्पेस वाज गिवन बाय. बी स्पेस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? आई होप आप सभी बच्चों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीटली नए होने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बी स्पेस वाज गिवन बाय. बी स्पेस बच्चों इसे बी पैसेज के नाम से भी जाना जाता है. बी पैसेज के नाम से भी जानते हैं बी स्पेस को. एक्चुअली ये वो एरियाज होते हैं हनी बी के हाइव्स में, छत्तों में, जिनमें की वैक्स को भरा नहीं जाता है जिसके कारण ये जो स्पेस है ये खाली रह जाते हैं और ये खाली स्पेस पे बड़ा हेल्प करते हैं हनी बीज को मूव करने में विद इन द हाइव्स या विद इन द छत्ता. हाइव्स यानी कि हनी बीज का छत्ता या मधुमक्खी का छत्ता जिसे आप कहते हो. तो बी स्पेस जिसे हम बी पैसेज भी कहते हैं ये एक्चुअली स्पेस होते हैं विद इन द बी हाइव्स. ये बेसिकली स्पेस होते हैं विद इन द बी हाइव्स और ये खाली जगह कैसे होते हैं भाई, तो इनमें वैक्स नहीं होता, वैक्स नहीं भरा जाता है इसीलिए खाली रह जाते हैं. और फिर ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हनी बीज के छत्ते के अंदर उनके इजी मूवमेंट में. सो बी स्पेस का ये इंपॉर्टेंट रोल है जिसे बी पैसेज भी कहा जाता है. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बी स्पेस का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कार्ल वॉन फ्रिश, लैंडस्टॉर्थ, एएस अथवाल या नन ऑफ द अबव. तो ध्यान रखेंगे इट वाज गिवन बाय लैंडस्टॉर्थ. सो ये भी आई होप आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और नया क्वेश्चन रहा होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है हिमालयन बी इनमें से किसे कहा जाता है. नॉर्मल तो आप सारे हनी बी के स्पीशीज के नाम जानते ही हो, रॉक बी, लिटिल बी, यूरोपियन बी, ये तो कॉमनली ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, हर एमसीक्यू में आपको देखने को मिली जाएगा. बट हिमालयन बी, ध्यान रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन बी में से कौन है? एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साटा, एपिस लेबोरियोसा या नन ऑफ द अबव. तो अगर मैं बात करूं एपिस फ्लोरिया की सो दिस इज लिटिल बी, अगर हम बात करें एपिस डोर्साटा की तो ये है रॉक बी, और फिर हमारे पास बच जाता है एपिस लेबोरियोसा. तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज हिमालयन बी और हिमालयन बी इज आल्सो नोन एज क्लिफ बी. हिमालयन बी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो क्लिफ बी. सो ये हो गया एक और नया सा क्वेश्चन और नए स्पीशीज ऑफ हनी बीज पर बेस्ड क्वेश्चन विच वॉज हिमालयन बी. इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन.
बी वैक्स इज सिक्रीटेड बाय द वर्कर्स व्हेन दे आर, ये जो बी वैक्स होता है इसका सिक्रीशन वर्कर्स के द्वारा कब होना शुरू होता है, व्हेन दे आर 14 से 18 डेज ओल्ड, 20 से 25 डेज ओल्ड, 30 से 40 डेज ओल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे कि बी वैक्स का सिक्रीशन वर्कर्स के द्वारा तब शुरू होता है जब वो 14 से 18 दिन के हो जाते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही नया क्वेश्चन और अपकमिंग हर तरह के एग्जाम में एपिकल्चर सेरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें एपिकल्चर या सेरिकल्चर नहीं पूछा जाता होगा, भले ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन बट डेफिनेटली आता है। इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द माइट विच इन्फेक्ट्स द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ बीज इज, इनमें से वो कौन सा माइट है जो हनी बीज के ट्रेकियल सिस्टम को प्रभावित करता है, एकारापिस, ट्रोपीलेलैप्स, वेस्पा या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे वो माइट जो हमारे हनी बीज के ट्रेकियल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है दैट इज एकारापिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच प्रोसेस एनहांसेस द लस्टर एंड मेक्स सिल्क रिंकल फ्री, इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो कि सिल्क फाइबर के चमक को बढ़ाता है और उसमें जो रिंकल्स होते हैं उसको भी खत्म करता है, कैलेंडरिंग, स्क्रूपिंग, डीगमिंग एंड नन ऑफ द अबव। बहुत ही नया क्वेश्चन, आई एम श्योर आपने में से मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को इससे पहले कहीं और नहीं देखा होगा। तो आपको बता दूं कि सिल्क फाइबर को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए और उसमें प्रेजेंट रिंकल्स को हटाने के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है दैट इज नोन एज कैलेंडरिंग। क्या कहते हैं? कैलेंडरिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और बहुत नया क्वेश्चन, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहां पर है। जी हाँ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी न्यू क्वेश्चन, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स पूछे गए, दिल्ली, मैसूर, बैंगलोर या नन ऑफ द अबव। तो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, दैट सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स इज एट बैंगलोर। इसके बाद कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, येलो मुस्कार्डिन फंगस इज, इनमें से किसे हम येलो मुस्कार्डिन फंगस के नाम से भी जानते हैं, ब्यूवेरिया, स्पाइकेरिया, आइसेरिया या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे कि येलो मुस्कार्डिन फंगस इज बेसिकली आइसेरिया। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि व्हाइट मुस्कार्डिन फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाइट मुस्कार्डिन फंगस का साइंटिफिक नाम क्या है। ये तो हमने पढ़ा येलो मुस्कार्डिन फंगस, आप सभी को मुझे बताना है व्हाइट मुस्कार्डिन फंगस का साइंटिफिक नाम। सो आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। काफी सारे नए क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है इस पर्टिकुलर सेशन में डालने का जो आज से पहले जनरली आपने सॉल्व नहीं किया होगा। सो नेक्स्ट टाइम विथ न्यू एमसीक्यू सेशन फिर से मिलूंगी आप सभी से। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।